यहाँ मौत अपने आगोश में कब ले लेती है कोई नहीं जानता, क्योंकि आइलैंड ऑफ डेड के नाम से मशहूर इटली का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ अगर कोई एक बार चला गया तो फिर उसका जिंदा बचना मुश्किल है। इटली के प्रोवेगलिया आइलैंड पर 1922 में मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन इस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को अक्सर कुछ असामान्य चीजें नजर आती रहती थी, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। कई वर्षों तक ये हॉस्पिटल वीरान पड़ा रहा। ऑफट्रैकप्लेनेट कॉम के अनुसार 1960 में इटली की सरकार ने इस आइलैंड को किसी को बेच दिया। आइलैंड का नया मालिक यहाँ अपने परिवार के साथ रहने लगा। एक दिन इस आइलैंड के मालिक की बेटी के मुंह पर किसी ने काट लिया, जिसकी सर्जरी के समय उसके मुंह पर 14 टांके लगाने पड़े। लगातार हो रही विपरीत परिस्थितियों के कारण सरकार ने लोगों के इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। 120 वर्ष पहले इस जगह का प्रयोग प्लेग ग्रस्त लोगों के लिए किया जाता था। प्लेग के मरीजों को यहाँ छोड़ दिया जाता था, जिससे और लोगों तक ये संक्रमण न फैल सके। इसके बाद अन्य प्राण घातक बीमारियों के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल होता रहा। इन बीमारियों से मर जाने के बाद भी लोगों को यहाँ दफना दिया जाता था। जब यहाँ पर मरीजों की संख्या 1,60,000 तक पहुँच गई तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से इस स्थान को संक्रमित माना जाता है। यहाँ किसी का भी आना बैन है। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment. We'll be right back.